अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार ये जो है ना, मैंने शाओमी का जो है स्मार्ट बैंड जो है 9 मंगवा ली है। तो आज हम इसकी जो है अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं ये कैसा है और इसके जो है बॉक्स में से हमें क्या क्या मिलता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हाँ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें से हमें क्या मिलता है। अच्छा तो यार ये जो है शाओमी का बॉक्स है स्मार्ट बैंड 9 का, सिंपल सा बॉक्स है। ऊपर शाओमी का लोगो है, दरमियान में शाओमी का स्मार्ट बैंड 9 बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है शाओमी स्मार्ट बैंड 9। और अगर जो है इसके साइड पर देखें तो साइड पर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, 5 ATM तक जो है वाटर रेजिस्टेंट है और 100+ जो है इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड्स हैं जो कि पहले भी होते थे और इस दफ़ा शायद इन्हेंस हो गए हों। और पहले भी वाटर रेजिस्टेंट तो होता ही था, न्यू चीज़ तो नहीं नज़र आई। ऑल राउंड हेल्थ है मोनिटरिंग, इसमें शायद एक दो सेंसर उन्होंने ऐड कर दिए होंगे। मल्टीपल चॉइसेस और बैंड फेसेस, ये भी पहले फीचर आते हैं, इसमें नया तो चीज़ें नहीं है इतनी खास। अच्छा 1.62 इंचज़ का जो है एमोलेड डिस्प्ले है और हाई क्वालिटी जो है मेटेलिक फ्रेम लिखा हुआ है। अप टू 20 डेज जो है बैटरी लाइफ है। लीनियर मोटर लिखा हुआ है फॉर डेलिकेट एक्सपीरियंस। तो मेरे पास जो है इसका जो है स्मार्ट बैंड 8 भी पहले भी मौजूद है, उसमें भी तकरीबन ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें भी एमोलेड डिस्प्ले आता था, बैटरी शायद इम्प्रूव हो गई हो लेकिन उसमें भी इतना ही लिखा हुआ था। तो ये चीज़ मुझे जो है नई स्पेक्स नज़र आ रही हैं और बाकी जो है ठीक है, पुरानी चीज़ें लग रही हैं। बाकी इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर ही पता लगेगा कि इसके अंदर क्या नहीं है क्या पुराना है। तो ऊपर लिखा हुआ है पावर्ड बाय शाओमी हाइपर ओएस। अच्छा ये चीज़ नहीं हुआ है, ये जो सा पहले नहीं थी, जो सा स्मार्ट बैंड 8 था। तो ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये पुल टैब है, इसको अगर खींचें तो सबसे पहले जो है हमारा ये स्मार्ट बैंड है। उसके बाद जो है शाओमी जो है इसका यूज़र मैनुअल है, स्मार्ट बैंड 9 लिखा हुआ है और इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारी काम की चीज़ लिखी होगी। ये है तो वैसे ग्लोबल एडिशन, लेकिन इसमें लैंग्वेज जो सी है वो मुझे इंग्लिश लग नहीं रही। चलें खैर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम करते हैं साइड पर। और इसके अंदर जो सी है वो निकलती है केबल, तो ये टाइप ए से है, ये जो है इसके पीछे लग जाएगा केबल। और उसके अलावा इसके अंदर कंपार्टमेंट बने हुए हैं जो कि बिल्कुल खाली हैं, इनमें कुछ भी नहीं है और ये भी बिल्कुल खाली है। ठीक है तो अब जो हम इसको खोलते हैं बैंड को और देखते हैं इसमें नया क्या है। तो अगर जो है ना बना हुआ है इसके ऊपर जो है ना एक पैकेज, कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो अच्छा ये जो है वो स्मार्ट बैंड 9 है, इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, ये हम उतार लेते हैं। ओके तो ये बिल्कुल जैसे पहले आता था ना मेरे पास, तकरीबन शाओमी का स्मार्ट बैंड जो 4 भी था। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है लेकिन वो ख़राब हो चुका है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये जो है बिल्कुल ऑफ है और ये अच्छा। अब इसके अंदर इन्होंने ना जो है बटन्स ऐड कर दिए हैं, तो ये जो है प्रेस करके आप इनको इस तरह खींच सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ बहुत ज़्यादा स्टाइल भी आते हैं शाओमी के जो है, आप इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्सेसरीज जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब इन्होंने अच्छा काम कर दिया वैसे,
पहले जो सा आते हैं ना, जो पुराने बैंड आते थे, मेरे पास स्मार्ट बैंड 4 जो सा वो भी पड़ा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक अच्छा। तो ये देखें, ये है स्मार्ट बैंड 4, बहुत पुराना हो गया। ये स्मार्ट बैंड 4 तो वैसा आता था, तो इसको चार्ज करने के लिए इसका जो बैंड उठाना पड़ता था, फिर ये चार्ज होता था। ये देखें, ये मेरे अखबार में पड़ा हुआ है, तो मी का लोगो है। तो पहले जो उनसे चार्ज करने के लिए ऐसा कुछ होता था, बैंड उतारना पड़ता था साइड से, फिर ये पिन होती थी, फिर ये इस तरह करके कनेक्ट होता था। अब ये बिल्कुल ख़राब हो गया, तो इसको साइड पे करते हैं। तो अब जो उनसे ना, ये इस तरह करके आता है। तो अब ये जो उनसे ना फोन पता नहीं कैसे होगा, बटन वगैरह तो कुछ है नहीं इसका। चलिए मैं इसका, ये इसकी चार्जिंग केबल है, तो इसको जो उनसे हम इस तरह करके है कनेक्ट करेंगे। तो और ये जो उनसे है पावर बैंक के साथ कनेक्ट होगा, तो ये जो उनसे चार्जिंग शुरू कर देगा। अच्छा, तो इसको मैंने चार्जिंग पे लगाया था, तो ये जो उनसे ऑन हो गया। तो इसको हम जो उनसे जल्दी से सेटअप करते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा, तो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज इंग्लिश, और ये कह रहा है ऐप डाउनलोड करने के लिए, तो इसको मैं जो उनसे है ना ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से, इसको स्कैन करके। और फिर जो उनसे ना, तो ये चीज़ें हम जो उनसे साइड पर कर लेते हैं। और ऐप जो उनसे है वो मैंने इंस्टॉल कर ली है, तो इसको ओपन करते हैं। ये मी फिटनेस के नाम से जो उनसे ऐप है, इसको हम जो उनसे जल्दी से सेटअप कर लेते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया जो उनसे भी करीब डिवाइस था, स्मार्ट बैंड 9 है हमारे पास। अच्छा, ये इसमें प्रॉम्प्ट आ गया। अच्छा, तो ये तकरीबन हमारी सेटअप हो गई है, और ये हमें जो उनसे थोड़ी बहुत जो उनसे गाइडेंस दे रहा है कि किस तरह सेट करनी है। तो ये कंट्रोल से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये डन। अपडेट भी आई हुई है इसकी, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, छोटी सी अपडेट है। ऑटो पॉज वाइल साइकिलिंग है, सपोर्ट फॉर कस्टम वाइब्रेशन फीचर्स है, फिक्स्ड अदर नॉन बग्स हैं। ओके, चलिए ये भी साथ के साथ हो रही है तो अच्छी बात है। ओके, अभी जो सा रिबूट हो रहा है, अपडेट हो रहा है यहाँ पर, इतने हम इस पर नज़र डाल लेते हैं, इतनी अपडेट हो रही है, तो टर्न ऑन कर लेते हैं। अच्छा, अभी डिस्कनेक्ट है, अपडेट जो हो रही है, तो ऐप पे इतना नज़र डाल लेते हैं। इसके जो चाहिए डिस्प्लेज हैं कुछ, ऐप आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कैलोरीज, स्टेप्स, मूविंग, स्टैंडिंग जो लिखा हुआ है, और स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप, हार्ट रेट है, और ब्लड प्रेशर है, ब्लड ऑक्सीजन है। अच्छा, ये ब्लड ऑक्सीजन वाली चीज़ नहीं आई है। और वेट का इधर ऑप्शन है, स्ट्रेस मेजर का है, और स्कोर वगैरह, वर्कआउट वाले फीचर्स हैं। अच्छा, गॉट इट। आउटडोर के लिए, रनिंग के लिए है। अच्छा, फ़िलहाल तो मैं नहीं करनी। वॉकिंग है, आउटडोर साइकिलिंग है, और ट्रेडमिल है। तो ये नीचे जो है कोई ऐड अच्छा है रजिस्ट्रेशन की। अच्छा, ये तो मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ, तो ये हमारी 95% हो गई है, तो थोड़ी सी रह गई है, इसको भी सेटअप कर लेते हैं। अच्छा, ये प्रोफाइल है। अच्छा, ये अपडेट हो गई है और रीबूट हो रहा है, शाओमी का लोगो आ गया। तो ओके ओके, हो गया।
प्रॉम्प्ट आ गया, तो मोबाइल एक दफ़ा हम साइड पर रखते हैं। तो अच्छा, ये इधर जो है सिंक कर लेते हैं, हो गया। और टर्न ऑन कर लेते हैं। और मुझे यार ये जो है ना, इससे पहले जो है ना, मैं वॉच जो यूज़ कर रहा था वो एप्पल की वॉच है, ओरिजिनल एप्पल वॉच है, ये फेक वाली नहीं है, नाइकी एडिशन वाली नहीं। तो काफ़ी गंदी हुई हुई है। तो ये जो सही ऐप है, ये मैं पहले यूज़ कर रहा था, तो अब इसको उठा के जो सा है हम अपनी ये जो सी स्मार्ट बनाई है इसको पहन। तो जो सा बैंड वो हमने पहन लिया, तो अब जो सा है इसकी जो सी सेटिंग है वो देख लेते हैं। अच्छा, साइड से इसका जो सा ये क्विक जो सा विजेट्स हैं, ये स्लीप वाला, ये हार्ट वाला, ये वेदर का, और ये जो सा है म्यूज़िक के लिए प्ले पॉज बटन, ये फाइंड फोन का ऑप्शन है। अच्छा, तो इसमें आवाज़ आना शुरू हो गई है, फाइंड फोन हो जाता है। अच्छा, तो यार ये जो है ना, अगर इसका जो है सेटअप तो हमने कर लिया बैंड को, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके जो है फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें, तो जो है ना फर्स्ट इंप्रेशंस में जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये ऐप भी, इसका इको सिस्टम भी बनाना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी मैनेज हो गई है। मैं पहले जो है जब मैंने स्मार्टमेंट 4 से जो स्टार्ट किया था, तब ये जो ऐप इतनी अच्छी वर्क नहीं करती थी। अब इसके अंदर काफ़ी फीचर्स वगैरह आ गए हैं, काफ़ी सारे जो हैं इसमें बैंड्स आ गए हैं, जैसे कि ये अभी मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये आ गया ऑप्शन, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ तो ये सिंकिंग हो रहा है, और ये रियल टाइम में जो अपडेट हो गया। तो काफ़ी इसमें फीचर्स हैं। तो अगर इनसे बैंड की बात करें, तो ऊपर स्वाइप करें तो इधर जो उनसे नोटिफिकेशन शो होते हैं, नीचे से जो उनसे ऐसा वर्कआउट स्टेट्स वगैरह जो उनसे बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं, अलार्म वगैरह, ये सेटिंग वगैरह। इसमें जो उनसे रनिंग मोड, बैंड डिस्प्ले जो उनसे हैं वो काफ़ी सारे ऑफलाइन ऐड हैं, तो काफ़ी प्यारे प्यारे भी हैं। अच्छा, तो ये इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये बैक करने के लिए इस साइड पे उनसे राइट स्वाइप स्वाइप करना पड़ता है। और इसके अंदर DND मोड है, फाइंड फोन है, सेटिंग है। तो डिस्प्ले में अगर हम जाएँ तो ब्राइटनेस ऑटो है, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, ऑटो लॉक हो जाता है 5 सेकंड बाद। इसमें आप टाइमर सेट कर सकते हैं, रेज टू वे क्या है, स्क्रीन ऑफ आर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, तो इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो वाइब्रेशन है, स्ट्रॉन्ग करनी है, स्ट्रॉन्ग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, और ऑटो डिटेक्ट कर लेता है अगर जो उनसे जो भी आप कर रहे होते हैं स्मार्ट वर्कआउट वगैरह जो उनसे, ये सब कुछ। तो काफ़ी कुछ है इसमें, आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं और बैटरी के स्टेटस भी शो हो सकते हैं, तो काफ़ी कुछ है। तो इसके फर्स्ट इंप्रेशन वो मैं तो जो है ना, वॉच बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो अगर आप इसका जो सा फुल रिव्यू देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में बताइएगा कि जो जो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए उनसे ना जो जो आप कहेंगे उसके लिए मैं ना अलग अलग उनसे वीडियो जो उनसे इसके लिए बना दूंगा। तो चैनल को जो उनसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको मैं जो उनसे कुछ दिन पहनता हूँ, आप जो उनसे अपनी एप्पल जो उनसे वॉच है इसको मैं जो उनसे नहीं पहनूंगा, तो इसको मैं ट्राई करूँगा। तो इस पे ऊपर जो उनसे एक्सपीरियंस जो उनसे आपके साथ शेयर करूँगा, और रिव्यू वीडियो बना दूँगा। तो जो कुछ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में जो बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जो है ना
सब टॉपिक्स जो है ना वो इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट में टाइप कीजिएगा कि वीडियोस को मैं और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जो है इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।